कोर्ट ने कहा कि इसको वापस डालो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने फिर से हटा दिया। तो कुछ ना कुछ तो है, आप कीजिए, जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने राफेल डील को डिले किया, प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले, डिफेंस मिनिस्ट्री के मतलब कागजों में लिखा है, परिकर जी ने अपना मतलब क्लियर कट बोला है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं, ऑडियो टेप है आपको सुनाई है मैंने, उनके मंत्रियों ने कहा है कि यहां पे मतलब गोवा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए उनके पास फाइल कैसे पड़ी है, करिए, सब पे कीजिए, बट प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उस पर हम FIR लगाएंगे, तो फिर इस पर आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? उसमें तो साफ लिखा है ना, उसमें जब आप PMO यूज करते हैं, PMO का मतलब क्या? PMO का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। इट्स अ केस, ब्लेटेंट केस ऑफ करप्शन, इट इज रिटन देयर क्लियरली दैट द प्राइम मिनिस्टर, PMO डज नॉट मीन PMO, PMO मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इन डिफेंस मिनिस्ट्री फाइल्स इज क्लियरली रिटन दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशन, सो व्हाई शुड देयर नॉट बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? Why is the criminal investigation? हिंदुस्तान में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सब पे हो सकता है जो PM का विरोध करते हैं, मगर क्लियर कट जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। आस्ते आस्ते हमने आपको दिखाया कि राफेल में घोटाला हुआ है और एंड में हिंदू अखबार ने क्लियरली दिखाया है कि राफेल में प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा है, वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है प्राइम मिनिस्टर इज कैरिंग आउट नेगोशिएशंस, उसमें इंडिकेट किया है प्राइम मिनिस्टर शुड डू द नेगोशिएशंस, हमें परे कर दो, वो लिखा है वहां पे। तो ये क्लियर कट केस है। अब ये भी है कि राफेल हवाई जहाज का दाम बढ़ाया गया है, वो भी उस कागज में लिखा है। यह भी है कि राफेल की डिलीवरी शेड्यूल डिले की गई है, वो भी उसमें लिखा है।